मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अमरावती में आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था और इस बंद के दौरान हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने कल हुई बंद के दौरान हिंसा जो हुई उसके विरोध में आज बंद का ऐलान किया था, मगर आज इस बंद के दौरान खुद बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिंसक रूप ले लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती की ये तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं कि बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किस तरह से यहां हिंसक रूप ले लिए और तोड़फोड़ की जा रही है। अब महाराष्ट्र भी धीरे धीरे हिंसा की चपेट में बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में पहले मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इस बंद के दौरान नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में हिंसा की खबर सामने आई थी और बीजेपी ने इस हिंसा के विरोध में बंद का ऐलान किया था। और आज अमरावती में बीजेपी ने जिस तरह से बंद का ऐलान किया था, लेकिन वहां माहौल आज काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि अमरावती के राजकमल चौराहे पर बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जमा हो गए और ये कार्यकर्ता हिंसक रूप ले लिए। हालांकि पुलिस ने इन्हें तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया है। बड़ी संख्या में बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि जिस तरह से ये हिंसा हो रही है और हिंसा को लेकर अब बीजेपी के नेता राम कदम का भी बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था या पता था उसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में लाभ उठा सके, किसी एक धर्म के तुष्टिकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने दंगे होने दिए? कौन है इन दंगों के पीछे? लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, चलो, चलो। उनकी दुकानें लूटी जा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार स्वयं क्या इन दंगाइयों के पीछे है? कौन है इनके पीछे? कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से इस भूमि पर धज्जियां उड़ चुकी है। वसूली कांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे हो रहे हैं।